आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, इस वक्त हमारी उर्दू की क्लास होगी, मैं मिस फरजाना, ठीक है। आज हम दो काम करेंगे। क्या क्या करेंगे? एक, हम उर्दू की जो कूंज की आपकी रीडिंग बुक है, बच्चों के हुकूक, हमने किया है उसकी 77 यानी 77 पेज की बुलंदखानी की है। आज हम करेंगे सफ़ा 78 की बुलंदखानी, पहला काम। और दूसरा जो है वो होगा हमारा कूंज की बुक, बड़ी वाली जो आपकी वर्कबुक है ना कूंज की, उसमें है 43 खोलिए, ठीक है। अब देखें, सबसे ऊपर है साज का मतलब है बाजा या बजाने वाली चीज़। साज बहुत तरह के होते हैं, मसलन बांसुरी। साज के हवाले से आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिखकर इस जाल को पूरा कीजिए। ये मैंने वैसे ही लिख दिया है, इसके अलावा भी आपको अगर आता है तो मैंने ये चार लाइनें छोड़ दी हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए, राइट हैंड पे देखिए, सीधे हाथ की तरफ ढोल, वायलन, गिटार, बाजा। अब नीचे आइए, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के इमला गलत लिखे गए हैं, आप इन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट है। इसमें हमें किस तरह से काम करना है, ये जितने अल्फाज हैं ना ये सब गलत लिखे हुए हैं, डैशों पे हमने सही करके लिखा है। आपको भी इसी तरह कॉपी में भी कर लीजिएगा और इस वर्कबुक में भी कर लीजिएगा, ताकि आपका क्लास वर्क काम हो जाए। जैसे कि किला, तो किला को हमने सही करके लिखा है। तंबू, तंबू तोय से नहीं है बल्कि ते से है। तंबू, हादसा, ये हे से नहीं है बल्कि हलवे वाले हे से है। सहरा, सीन से नहीं है बल्कि सही जो है वो सहरा स्वाद से है। कसूर, सीन नहीं आ रहा है बीच में, स्वाद आ रहा है, कसूर। मुकाबला, ये जो हम पढ़ेंगे गलत वाला मुकाबला, लेकिन सही क्या है, मुकाबला, कौफ। तस्दीक, सीन हटा के स्वाद है बीच में, तस्दीक। तौफ, ते से नहीं है बल्कि तो से है। आलूदगी, आइन से नहीं है बल्कि अलिफ मद आ से है। खुशामद, अब ये बिल्कुल ही गलत है ना, अब यहाँ पे देखिए खो शा मद हे जो है बीच में वो नहीं है। ये मैंने पढ़ा, आप पढ़िएगा क्लास वर्क, आपकी जो ग्रामर की कॉपी है उसमें आप बैठ के ये काम करिएगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क जो है कूंज की ही बुक में सफ़ा नंबर 46, सफ़ा 46 देखिए, इसमें जो दिया गया है ना, ये देखिए तीन सर्कल्स हैं, 1 2 3, इसमें तीनों में क्या है, फर्स्ट वाले जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो इस्म है, और सेकंड जो है वो फेल है, और थर्ड जो है वो सारे हर्फ हैं। यानी फर्स्ट वाला जो है अब्बा अम्मी बाजी भैया दोस्त सहेली, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब इस्म है, और दूसरा जो है कहना सुनना बोलना खाना जाना पहनना सताना डांटना खाना खेलना जागना सोना रोना आना वगैरह जो है ये फेल है। और हर्फ क्या है, के ने मैं पर से का की को तक। अब यहाँ पे देखिए इतने कॉलम्स दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए, सफ़ा नंबर 46 कूंज की वर्कबुक जो है आपका होमवर्क है। गौर से देख लीजिए कि आपका होमवर्क है, होमवर्क हर खाने से आपको एक एक अल्फाज लेना है और अल्फाज की रद्दो बदल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पूरा करना है, मैं एक दो आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। जैसे कि बाजी ने कहा मुझे सोना है, दूसरे पर आप लिख सकते हैं भैया के दोस्त खाने पर आ रहे हैं, फिर तीसरे पे आप लिख सकते हैं मुझे आज देर तक जाना है। इसी तरह आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।